ब्रेक के बाद के न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और ACC गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। भारतीय मजदूर संघ ने DC के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा ज्ञापन, सरकारी योजनाएं समय पर शुरू करवाने की मांग। लोकसभा चुनाव पास आते ही पार्टियों में जोड़ घटाव शुरू, सोलन जिला भाजपा में शामिल हुए कई जिलों का नेता। मोबाइल की दुनिया में एक समय राज करने वाली नोकिया ने लॉन्च किया नोकिया X, जानिए इसकी खूबियों के बारे में। और 4 दिवसीय होली उत्सव को लेकर सुजानपुर में तैयारियां पूरी, देश विदेश से होली उत्सव में आते हैं लोग। राष्ट्र स्तरीय होली उत्सव को लेकर सुजानपुर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और 4 दिवसीय होली उत्सव को लेकर चारों सांस्कृतिक संध्याओं के दौरान लोगों के मनोरंजन के लिए भी कलाकारों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। हमीरपुर में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि होली उत्सव को धूमधाम से मनाया जा रहा है और होली उत्सव की पहली सांस्कृतिक संध्या में मास्टर सलीम अपने गानों से लोगों को मंत्रमुग्ध करने का प्रयास करेंगे और समापन अवसर पर देबू मुखर्जी अपनी गायकी का जादू बिखेरेंगे। उपायुक्त रोहन चंद ठाकुर ने बताया कि 14 व 15 को पहाड़ी नाइट्स मनाई जाएगी, जिसमें पहाड़ी कलाकारों के द्वारा प्रस्तुतियां दी जाएंगी। प्रदेश में आचार संहिता लागू होने का असर इन उत्सवों पर भी देखने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि आचार संहिता लागू होने के कारण सरकारी विभाग अपने विभागों के कार्य का प्रचार नहीं कर पाएंगे और न ही इन कार्यक्रमों में कोई राजनीतिक बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर पाएगा। उन्होंने बताया कि होली उत्सव के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गौरतलब है कि होली उत्सव का शुभारंभ वीरवार को मंडलायुक्त मंडी मंडल ओंकार चंद शर्मा करेंगे और समापन समारोह में मुख्य अतिथि IG सेंट्रल जेल PL ठाकुर द्वारा समारोह का समापन किया जाएगा। पहाड़ी नाइट्स तो जो 13 तारीख को मास्टर स्लीम आ रहे हैं उनका उतना है, हमारे जो आखिरी दिन है उनमें कॉलिंग देवोजीत, बाकी हमारे जो 14-15 को हमने प्रेफरेंस दिया है, अधिकतम इनफैक्ट 14 और 15 को हमने हिमाचली नाइट ही रखी हुई है। हिमाचली नाइट मतलब पहाड़ी सिंगर्स, फोक सिंगर्स। जब तक कोर चला हुआ है, तब तक कई सरकारी विभाग डिपार्टमेंट्स वगैरह एडवर्टाइजमेंट्स देने भी थोड़ा रेजिस्ट करेंगे या उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यू कैन नॉट एडवर्टाइज गवर्नमेंट स्कीम्स। विमोचन वगैरह में भी आप गवर्नमेंट स्कीम्स को की अचीवमेंट्स के बारे में आप नहीं बता सकते, तो इसलिए थोड़ा हमारी फंडिंग का डेफिनेटली इस साल क्रंच है। कोड ऑफ कॉन्डक्ट, तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के साथ गवर्नर का एड्रेस होगा और ऑफिसर्स का, और हमारी तरफ से इलेक्शन कमीशन ने आपको क्लियर डायरेक्शन दी है कि there should not be any message from political functionaries, क्योंकि उनका कोड ऐसा बोलता है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश में नरेंद्र मोदी की कोई लहर नहीं है और भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार केवल PM इन वेटिंग बनकर रह जाएंगे। ये शब्द कहे हैं हमीरपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य प्रेम कौशल ने। उन्होंने कहा कि हिमाचल भाजपा केवल मात्र मोदी के नाम का सहारा ले रही है और उनके पास इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं बचा है। कौशल ने कहा कि भाजपा को अपनी कार्य प्रणाली पर विश्वास नहीं है और मोदी का प्रधानमंत्री बनने का सपना कभी भी पूरा नहीं हो पाएगा। आज धूमल साहब के भी बयान ऐसे आ रहे हैं कि मोदी की लहर हिमाचल प्रदेश में भाजपा की नैया को पार हो जाएगी। इससे साफ साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है
उसको अपनी नेतृत्व क्षमता और अपनी लोकप्रियता और अपनी कार्यप्रणाली के ऊपर विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व पूर्णतः नरेंद्र मोदी के ऊपर निर्भर कर रहा है। वो सोच रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई मोदी की लहर आएगी और इनकी नैया को पार मिल जाएगी। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश में मोदी नाम की कोई लहर ना थी ना होगी। हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह की शक्ल में कांग्रेस पार्टी के पास एक मजबूत स्ट्रॉन्ग और लोकप्रिय नेतृत्व है और उस नेतृत्व को सरकार के आगे माननीय नरेंद्र मोदी जी जो है वो कहीं नहीं टिकते, कहीं नहीं अडवाणी है पीएम की बेटी। सिमिलरली मोदी जी भी हमेशा के लिए पीएम एन बेटी बन बेटी बन के रहे और कभी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं बनेंगे। वहीं शिमला के सांसद वीरेंद्र कश्यप पर विजिलेंस जांच पर भाजपा द्वारा की जा रही टिप्पणी का जवाब देते हुए कौशल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर भाजपा दोहरी नीति अपनाती है। अगर कोई उसके नेता की सीडी निकालता है तो वह षड्यंत्र होता है, मगर भाजपा के द्वारा जारी की गई सीडी कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। उन्होंने कहा कि भाजपा दमन की नीति से कार्य करती है, जिसका प्रमाण विजिलेंस द्वारा हाल ही में भाजपा सरकार के समय वीरभद्र सिंह की जासूसी करने की पुष्टि से हो गया है। इंक्वायरी है, उसमें एस्टेब्लिश हुआ है कि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जो उस वक्त केंद्रीय मंत्री थे उनके उनकी जासूसी करने के लिए जो यंत्र वहाँ चंडीगढ़ के हिमाचल भवन में लगाए गए थे वो सारा वो इंक्वायरी में एस्टेब्लिश हो गया कि वो सच्चे आरोप थे और उसके विषय में विजिलेंस जो है वो अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हिमाचल प्रदेश का जो नेतृत्व है वो नेतृत्व लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखता। वो नेतृत्व जो है उसने हमेशा अपने विरोधियों को राजनीतिक तौर पर सरकारी मशीनरी का और पुलिस प्रशासन का दुरुपयोग करते हुए उत्पीड़ित और प्रताड़ित करने की राजनीति की है। के न्यूज़ के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। भारतीय मजदूर संघ ने मजदूर और कर्मचारी हितों को लेकर डीसी मंडी देवेश कुमार के द्वारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें ये मांग की गई है कि मजदूरों और कर्मचारियों को लेकर सरकारी योजनाओं को सही समय पर लागू किया जाए और साथ ही मजदूरों और कर्मचारियों की लंबित पड़ी हुई मांगों पर गौर भी फरमाया जाए। मंडी में भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक ज्ञापन लेकर डीसी ऑफिस पहुंचे और डीसी मंडी देवेश कुमार के माध्यम से यह ज्ञापन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भेजा गया। भारतीय मजदूर संघ से जुड़े अशोक पराशर ने जानकारी देते हुए कहा कि भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन 21, 22 और 23 फरवरी को राजस्थान के जयपुर में संपन्न हुआ था, जिसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इन प्रस्तावों में कर्मचारियों और मजदूरों की मांगों के साथ मजदूरों को पेश आ रही समस्या के बारे में चर्चा की गई। साथ ही यह भी कहा गया कि केंद्र सरकार द्वारा मजदूरों के हित की योजनाओं को प्रदेश में सही समय पर लागू नहीं किया जाता, जिस पर कार्यवाही होनी चाहिए। आज का जो भारतीय मजदूर संघ का कार्यक्रम था उसमें भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों ने एक ज्ञापन माननीय जिलाधीश महोदय के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को सौंपा। ये जो हमारा कार्यक्रम था ये पिछले 21, 22, 23 फरवरी 2014 को राष्ट्रीय अधिवेशन जो कि राजस्थान के जयपुर में संपन्न हुआ उसमें 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसमें कर्मचारियों की मुख्य मांगों को लेकर, मजदूरों की समस्याओं को लेकर, शोषित पीड़ित समाज की समस्याओं को लेकर, आज जो केंद्र सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं प्रदेशों को आती हैं उसको सही समय पर लागू करना, हर वर्ग के अंदर जो कर्मचारियों का मजदूरों का शोषण हो रहा है उसको लेकर के 3 दिन के जो हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन जयपुर में हुआ इसमें काफ़ी गहराई से चिंतन मंथन हुआ और उसी में जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, उसने 4 प्रस्ताव पारित किए। उसी कड़ी में आज उस प्रस्ताव का ये जो पहले चरण में हम लोगों ने ज्ञापन माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को भेजा है और इसी कड़ी के तहत जो आगे हमारे प्रस्ताव हैं उसको हम समय समय पर जिलाधीश महोदय के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजते रहेंगे।
मजदूर संघ का कहना है कि अगर देश में कहीं भी कर्मचारियों और मजदूरों का शोषण होता है तो मजदूर संघ उनकी आवाज को यूं ही उठाता रहेगा। संघ का कहना है कि उन्हें किसी भी पार्टी की सरकार से कोई लेना देना नहीं है और ना ही वे किसी सरकार को समर्थन करते हैं, पर जहां भी बात मजदूर हितों की आएगी मजदूर संघ मजदूरों और कर्मचारियों के साथ खड़ा रहेगा। कैमरा पर्सन लुकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला है छोटे से ब्रेक का, बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। सचदेवा कॉलेज मंडी हिमाचल प्रदेश का नंबर वन कोचिंग संस्थान है, जहां मुख्यतः मेडिकल और इंजीनियरिंग की कोचिंग AIPMT, AIIMS, BSc नर्सिंग, फार्मेसी, IIT, JEE व PAT की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उच्च शिक्षा प्राप्त व अनुभवी शिक्षकों द्वारा कराई जाती है। इसके अलावा यहां बैंक POs, बैंक क्लर्क्स, NDA, CDS, आर्मी, पुलिस, पटवारी, CTAT, JBT TAT, HP TAT आदि की भी कोचिंग उपलब्ध है। सचदेवा पिछले 14 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत है और हमारे संस्थान में हजारों विद्यार्थी कोचिंग लेकर चयनित हुए हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सचदेवा कॉलेज कोचिंग डिवीजन पडल मंडी। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम सब्जी मंडी के साथ नेर चौक डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। अब चला गया लकड़ी के दरवाजे और खिड़कियों का रिवाज, जब उपलब्ध हैं अल्मोनियम फैब्रिकेशन से जुड़े एक्सपर्ट्स MS सिंह अल्मोनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, जो आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल कर बनाते हैं अल्मोनियम डोर्स, विंडो, ऑफिस चैम्बर, स्टील रेलिंग, बॉल्स्टर रेलिंग, ग्रिल व गेट आदि। साथ ही यहाँ उपलब्ध हैं ग्राइंडर मशीन, ड्रिल मशीन और आधुनिक स्टील और एल्युमिनियम कटर। तो आज ही पहुंचे MS सिंह एल्युमिनियम एंड स्टेनलेस स्टील फैब्रिकेशन, 124/12 रामनगर, नामधारी गुरुद्वारा के नजदीक मंडी। श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी में अब आप पा सकते हैं विभिन्न प्रकार के रोगों का इलाज। यहाँ मौजूद है डॉक्टर प्रमोद सिन्हा, जो करते हैं हृदय, मधुमेह, माइग्रेन, सिरदर्द, दमे इत्यादि सभी प्रकार की बीमारियों का सफल इलाज। डॉक्टर देवेंद्र मरवा, जो करते हैं सभी प्रकार के पेट के रोगों, पेट दर्द, पित्त की पथरी, गाल ब्लैडर की पथरी, अल्सर, हर्निया, शरीर पर सभी प्रकार की गांठों का सफल इलाज और ऑपरेशन। डॉक्टर अमित कौशल, सभी प्रकार की कान, नाक, गले व हेड नेक कैंसर के रोगों का सफल इलाज व ऑपरेशन। डॉक्टर मौल श्री लता शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के महिला रोगों का सफल इलाज। डॉक्टर शिवांगी शर्मा, जो करती हैं सभी प्रकार के चर्म रोगों व सौंदर्य समस्याओं का सफल इलाज। डॉक्टर पीपी सिंह, जो करते हैं शरीर की सभी हड्डियों के दर्द का इलाज व घुटने, कंधे, कूल्हे के ऑपरेशन और ज्वाइंट रिप्लेसमेंट। इसके अलावा अस्पताल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, सभी प्रकार के खून टेस्ट, इको टेस्ट, TMT, 24 घंटे फार्मेसी, एम्बुलेंस और इमरजेंसी सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल एवं रिसर्च सेंटर गुटकर मंडी। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमने दिया है उत्तम बोर्ड परीक्षा रिजल्ट। भीड़भाड़ और प्रदूषण से दूर यहां बच्चों को मिलता है एक खुशनुमा माहौल। यहां 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए अलग साइंस लैब की सुविधा उपलब्ध है। हिमालयन पब्लिक स्कूल बच्चों के चहुंमुखी विकास को अपना लक्ष्य मानता है। हाईली क्वालिफाइड, डेडिकेटेड, ट्रेन्ड, हार्डवर्किंग और एक्सपीरियंस्ड टीचर्स का स्टाफ स्टूडेंट्स को देता है आगे बढ़ने की प्रेरणा। खुद परखें हमारे दावों को। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जर्ल कॉलोनी, पंडो, डिस्ट्रिक्ट मंडी। त्योहारों के मौके पर योर टेक्सटाइल लेकर आए हैं खरीदारी का भरपूर मौका। जी हाँ, मंडी के पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने मिल रहा है इम्पोर्टेड कंबल और रजाइयां खरीदने का मौका, और वो भी फैक्ट्री रेट पर। यहाँ उपलब्ध है स्पेन से इंपोर्ट किए गए बेहतरीन प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स पर मिलेगा भारी डिस्काउंट। तो देर न कीजिए और शिवरात्रि मेले के दौरान लगी इस प्रदर्शनी का उठाइए पूरा लाभ। योर टेक्सटाइल, पडल ग्राउंड चांदनी के ठीक सामने, मंडी।
शिवरात्रि मेला के उपलक्ष पर घरेलू उत्पादों की निर्माता कंपनियां सनफ्लेम और प्रेस्टीज पर मिल रहा है 30% तक का डिस्काउंट। यही नहीं, सनफ्लेम का गैस चूल्हा लेने के लिए दें कोई भी पुराना गैस चूल्हा और पाएं 3000 तक की छूट। आज ही पहुंचे जोगेंद्र पाल तिलक राज बर्तन भंडार नागचला में। जी हां, वही नागचला का मशहूर बर्तन स्टोर जिन्होंने लगाया है मेला ग्राउंड में अपना स्टॉल। याद रहे, नागचला बर्तन स्टोर, शिवरात्रि मेला ग्राउंड, पटल मंडी। मोबाइल की दुनिया में एक समय एक छात्र राज करने वाली नोकिया कंपनी ने आज भारत में अपना नया मोबाइल फोन लॉन्च किया है, जिसमें एक साथ कई एंड्रॉयड बेस्ड एप्स काम कर सकते हैं। कंपनी ने इस सेट का नाम नोकिया एक्स रखा है और ये आज से आपको आपके शहर मंडी में भी मिल सकता है। हम हैं इंदिरा मार्केट के SM एंटरप्राइजेज में, जहां पर आज नोकिया कंपनी ने लॉन्च किया है नोकिया एक्स, एक ऐसा सेलफोन जिसमें आपको मिलेगी एंड्रॉयड की हर एप्लीकेशंस। आइए जानते हैं नोकिया एक्स के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। मंडी शहर की इंदिरा मार्केट में नोकिया एक्स फोन लॉन्च होने के साथ साथ SM एंटरप्राइजेज नाम से एक मोबाइल की दुकान का उद्घाटन भी हुआ। इस दुकान की ओपनिंग पर लोगों और बच्चों में मिठाइयाँ बांटी गई और साथ ही पंजाबी ढोल का इंतजाम भी किया गया था। बात अगर नोकिया के इस फ़ोन की जाए तो इस फ़ोन में एंड्रॉयड बेस्ड ऐप्स काम कर सकती हैं। इस फ़ोन पर 50,000 ऐप्स डाउनलोड की जा सकती हैं और साथ ही आप ऐप्स को शेयर भी कर सकते हैं। नोकिया एक्स में आपको मिलेगी 4GB की इंटरनल मेमोरी और 32GB एक्सटेंडेबल मेमोरी। साथ ही इसमें मौजूद है 3 मेगापिक्सल्स का VGA कैमरा। साथ ही 512 MB रैम और 13 घंटे का बैटरी बैकअप भी नोकिया एक्स में मौजूद है। की बात करते हैं तो 4GB इंटरनल मेमोरी है इसमें और इसको आप 32GB तक एक्सपेंडेबल कर सकते हैं। कैमरे की बात करें तो इसमें 3 मेगापिक्सल का कैमरा है और इसमें आप स्काइप के थ्रू वीडियो कॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर प्रोसेसर की बात की जाए तो इसमें 1 GHz का ड्यूल कोर प्रोसेसर है। इसके अलावा इसमें 512 MB की रैम है। और अगर बात करते हैं इसकी बैटरी बैकअप की तो इसमें BN01 बैटरी है जो कि 1500 mAh की है। इसमें आप 13.3 आवर्स का टॉक टाइम है। इसमें आप देख सकते हैं जो स्क्रीन का है, इसमें आप ग्लांस स्क्रीन है जिसमें आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी मिस कॉल ईमेल्स वगैरह की, आप वो बात स्क्रीन पे भी लॉक देख सकते हैं। देखिए बहुत सारी ऐप जो नोटिफिकेशन है वो आप ग्लांस स्क्रीन पे या लॉक स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैंने अनलॉक करके आप इसके मेनू में जा सकते हैं। मेनू में बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, इसमें स्काइप या मिक्स रेडियो और हेयर मैप्स इसमें दे रहे हैं जो कि लाइफ टाइम फ्री है। कैमरा पर्सन संतोष के साथ मोनिका ठाकुर की रिपोर्ट। बाकी जिलों की तरह सोलन में भी आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता की उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निपटारा करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मदन चौहान की अध्यक्षता में जिला स्तरीय एक समिति का गठन किया गया है। इस समिति में कई विभागों के विभागाधिकारी और कर्मचारियों को शामिल किया गया है। इस समिति में पुलिस अधीक्षक, अधिशासी अभियंता, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य व बिजली, वन मंडलाधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी DRDA तथा DPRO सदस्य होंगे, जबकि सहायक आयुक्त समिति के सदस्य सचिव होंगे। बैठक में सभी अधिकारियों को उनके कर्तव्यों और अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई ताकि आचार संहिता का उल्लंघन ना हो सके और चुनाव शांतिप्रिय ढंग से हो पाए। पूरी टीम बनी, अभी हमारे इलेक्शन के शेड्यूल्स आ चुके हैं और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो चुकी है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर सेक्टर ऑफिसर और सेक्टर मजिस्ट्रेट्स का और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स का, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का निर्वहन 100% हो, पूर्णतः हो, इसलिए इनके महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए। जी, तो इस मौके पर SDM सोलन टशी संदूप ने जानकारी देते हुए कहा कि चुनावों के चलते जिले में आचार संहिता लागू हो चुकी है। ऐसे में अधिकारियों की शक्तियां क्या होंगी और चुनावी प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए उनका क्या योगदान होगा ताकि मतदाता को सहज बना सकें और मतदाताओं को मतदान के लिए अधिक से अधिक प्रेरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि आचार संहिता का निर्वहन 100% हो, इस बारे में भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। KNews के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। KNews में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए KNews।